मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक बयान वाले मामले पर राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगा है। पहले तो सूरत कोर्ट ने मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और अब लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द कर दी है। दरअसल ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में बयान दिया था। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मामला दर्ज करवाया था। विधायक ने मोदी सरनेम के अपमान का आरोप लगाया था। इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर देश भर में सियासत गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, राहुल गांधी को सच बोलने की सजा दी गई है। विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कई तरह के आरोप भी लगाए। हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते, तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन चुनावों में इसका क्या असर होता है, सियासी दलों को कितना नफा नुकसान होता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, रविंद्र सिंह जी हैं, इस वक्त संविधान एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा प्रदीप माहौर जी हैं, बीजेपी के नेता। रवि सक्सेना जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि सक्सेना जी, आज ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि कानून ये कहता है कि जहां सजा हुई वहीं पर ये मानकर चलिए कि आपकी जो सदस्यता है वो चली जाती है, बस उसकी एक फॉर्मेलिटी होनी बाकी रहती है। अगर मान लीजिए लोकसभा सचिवालय इस पर नहीं भी फैसला आज देता तो उससे क्या फर्क पड़ जाता इस पूरे फैसले पर? अंततः आपको कोर्ट में लड़ाई लड़नी थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी पर जो ब्लेम गेम किया जा रहा है सर, वो क्यों? नहीं, देखिए, इन फैसलों से एक बात तो सिद्ध हो गई है कि चोर चोर मोसेरे भाई, अब लगता है दोनों हैं सगे भाई। आप मुझे बताएं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि भाई नीरव मोदी, ललित मोदी, निशांत मोदी, एमी मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे फ्रॉड करने वाले लोग बैंकों का करोड़ों रुपया लेके इस देश से भाग गए। आज अडानी जी पर जब उन्होंने सवाल उठाए जिसमें कि LIC का और SBI जैसी हमारी संस्थाएं जिनमें कि इस देश के छोटे छोटे लोगों की संचित राशि जमा है उसमें इतना बड़ा घोटाला हो गया, वो रकम डूब रही है, तो क्या राहुल गांधी जी के इन सवालों से विचलित होकर आप उनकी सदस्यता को रद्द कर देंगे? जवाब देते नहीं हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, राहुल जी को अपनी बात कहने का अवसर नहीं देते हैं। और फिर करेला और नीम चढ़ा, 2019 का कोई केस जिसमें जिसने लगाया उसने ही अपना स्टे ले रखा था। अभी फरवरी
2023 में उसने वो स्टे हटवाया और मार्च 2023 को 23 तारीख को जिस दिन की भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जी ने फांसी के फंदे पे चढ़े थे, आज आपने राहुल जी की सदस्यता रद्द करके यह सिद्ध कर दिया है कि इस देश में आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए, आखिर आप राहुल गांधी जी की आवाज को दबाना क्यों चाहते हैं? चल रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के, पहली चीज तो उनको जो उनके राहुल गांधी जी है उनका बयान याद ही नहीं है। हर व्यक्ति जो चोर होता है उसके आगे मोदी क्यों लगा होता है, ये बयान था, चाहे तो आप दोबारा से रिपीट करके सुन लीजिएगा। दूसरी चीज, भगत सिंह, क्या भगत सिंह को कोट करें? भगत सिंह बोलेंगे कि किसी भारत में रहने वाली कम्युनिटी को आप चोर बोलिए? कैसी बातें कर रहे हैं? भगत सिंह का नाम उपयोग करके आप जो हमारे उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, देश में पैदा होने में शर्म आती है ये बोले, इस देश के सारे हिंदुस्तान का उन्होंने अपमान किया कि पूरा हिंदुस्तान के लोगों का कहा कि इस देश में पैदा होने में हमें शर्म आती है, ऐसा 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 वक्तव्य देके क्या मोदी जी ने इस देश के लोगों का अपमान नहीं किया? एक मिनट रवि सक्सेना जी, देखिए यहाँ पर एक एक कर अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने अपनी बात रखी, उनको रखनी दीजिए, उसके बाद दोबारा से मौका दूंगा। मैंने जो सवाल उठाया इसका जवाब लीजिए। नहीं तो सवाल जब आपने की बारी थी तब आप उठाइएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए राहुल गांधी जो हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बाहर जाते हैं जब भारत से, तो लंदन जाके क्या बोलते हैं वो कि भारत में डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो गई, पूरा विश्व उस डेमोक्रेसी की तारीफ करता है और वहां पे जाके अपने देश की ही जो रेपुटेशन है, अपनी इज्जत है, उसको दांव पे लगा के आ जाते हैं। राहुल गांधी जो है वो गए थे एक बार, क्या है, कब कहा, आपको पढ़ाई लिखाई आती है? आपको पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी को समझते हैं कि नहीं समझते? दलित आज तक मोदी जी की कोई भी जो वानर सेना है, जो पूरी ट्रोल एजेंसी है, वो ये सिद्ध नहीं कर पाई है कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में विदेश में जाके कोई इस तरह का बयान दिया है। आप केवल मनगढ़ंत बातें करना, अरे मोदी जी को तो देखिए जिन्हें की इस देश में पैदा होने पर शर्म आती है। आपको सिखाएंगे वहां पे, ठीक है, लेकिन आपको हिंदी आती है कि नहीं आती है, आप इतना तो समझिए। हैं, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं। मैंने आपको पूछा, बात यह है, आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है? क्योंकि वो अंग्रेजी में उन्होंने वक्तव्य दिया था, उसका तर्जुमा आपने गलत कर लिया, अपने हिसाब से कर लिया, क्योंकि आप अडानी जी पे उठ रहे सवालों को दबाना चाहते थे, इसलिए आप अभी हिंदी चैनल पे बैठे हो, हिंदी में बात। मैं अंग्रेजी चैनल पे भी जाता हूँ, हिंदी चैनल पे भी जाता हूँ, आई नो इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज बोथ। लेकिन रवि सक्सेना जी, एक बात का जवाब नहीं आया अभी तक, एक बात का जवाब नहीं आया। आपने उस बयान को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, ठीक है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था मोदी कम्युनिटी को लेकर, क्या आपकी नजर में, क्या राहुल गांधी की नजर में आज भी वो उस बयान पर कायम है? अगर कायम है तो फिर उनकी सजा मिली है उस चीज की, या तो वो माफी मांग लेते, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी पर सवाल उठाया। और ये कोर्ट का फैसला, ये कोई लोकेंद्र त्यागी या बीजेपी का फैसला नहीं है, कोर्ट ने उन्हें गिल्टी माना इसको लेकर, यानी कि उनका बयान गलत था। लोकेंद्र जी एक बात और भी है, लोकेंद्र जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आज आज नहीं बोला मनु अभिषेक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात, एक मिनट अब आपकी बारी नहीं है प्लीज प्रदीप जी, प्लीज प्रदीप जी, कि ये जहां पर बयान दिया गया है वहां तो कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, रजिस्टर्ड आपने कहा गुजरात में किया, वो आप जाकर चैलेंज कर देंगे सर, आपका पूरा राइट है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, जो भी उसके कानूनी पेचीदगियां हैं उनको वहां पर समझा सकते हैं आप जाकर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बयान उन्होंने दिया था या नहीं दिया था? अंग्रेजों से नहीं डरे रवि सक्सेना जी, क्या डरेंगे? रवि सक्सेना जी वो आप जाकर चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट पर, इसमें कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। अब वो कैसे कोर्ट ने फैसला लिया वो उनको उसका अधिकार है, वो बता बेहतर जानते हैं, तो आप उसको चैलेंज कीजिएगा, वो हाई कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। बयान उनका क्या मोदी कम्युनिटी को लेकर था या नहीं था? चैनल पर एक सवाल पूछ रहा हूं जी, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं जी, क्या मोदी जी ने विदेश में जाके कोरिया में जाके ये नहीं कहा हमको हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती है? एक देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है, क्या उन्होंने ये बात कही कि नहीं कही? और अगर कही है तो उनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए। इससे क्या लेना देना सर, हम क्या ऐसे तो मैं फिर कांग्रेस के सारे नेता क्या कहा, बीजेपी के सारे नेताओं की लिस्ट निकाल लेते हैं, इन बयानों को फिर उनकी सारी लिस्ट निकाल लेते हैं आज।
लेकिन मैं फैसले पर चर्चा कर रहा हूं कि पहले उनकी निकाल लीजिए। एक और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय भी करा देता हूं। मनोहर दलाल जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में रविंद्र जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का खेल तो हम कल से ही देख रहे हैं, ये चलता रहेगा, लेकिन इसको जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से जैसे ही 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो ऑटोमेटिकली क्या सदस्यता चली जाती है, और उसमें लोकसभा सचिवालय के क्या राइट्स हैं? क्या अगर आज वो फैसला आ गया जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जल्दबाजी हो गई, या वो जो 30 दिन का एक कूलिंग पीरियड था, इन सब जो टेक्निकल चीजें हैं सर, इनको आम जनता को थोड़ा आसानी से समझाइए। ऐसा जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से राहुल गांधी की को डिस्क्वालीफाई किया है संविधान के आर्टिकल 102(1)(e) के तहत, रेड विद सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जी, ठीक है। तो अब इसमें सेक्शन 8 ऑफ द 83 सेक्शन 83 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये इसका प्रयोग किया गया है इसके लिए, और उसमें दिया हुआ है कि 2 साल और 2 साल से अधिक अगर कन्विक्शन होगा तो डिस्क्वालिफिकेशन की परिभाषा में आएगा। अब ये जो निर्णय हुआ है, अब ये डिबेट का इशू इसलिए बन गया, क्या इमीडिएट इसको लागू किया जाएगा या इसको वेट किया जाएगा जी, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, ये पहला ऑर्डर है, अगर इसके खिलाफ कोई अपील नहीं दाखिल होगी, रिवीजन नहीं दाखिल होगा तो ये फाइनल हो जाएगा, और अगर ये फाइनल नहीं होता है कोई अपील या रिवीजन लाई दाखिल की जाती है, और अपलिट कोर्ट अगर कन्विक्शन एंड सेंटेंस अवॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट उसको अगर स्टे कर देता है तो पोजिशन अदरवाइज हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मान लीजिए अगर अपलिट कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन इन एंड सेंटेंस स्टे कर दिया तब क्या होगा? अगर ये तो सदस्यता पहले ही समाप्त हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट का जो पावर था कन्विक्शन एंड सेंटेंस को स्टे करने का, वो उसका कोई मतलब नहीं रहा। सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 अगर आप पढ़ें, हम एक बट आप कर लेंगे, और सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 हम पढ़ाना चाह रहे हैं, आपको पढ़ना चाह रहे हैं जी। ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स अदर देन एनी ऑफेंस रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 6 ईयर्स सिंस हिज रिलीज। 9(4) नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग 10th ब्रैकेट में इन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ए डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आइदर सबसेक्शन शैल नॉट इन केस ऑफ पर्सन हु ऑन द डेट ऑफ द कन्विक्शन इज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर of a state take effect until 3 months have elapsed from the date, or if within that period an appeal or application for revision is brought in respect of the conviction or sentence, until that appeal or application is disposed of by the court. It means जो provision है वो ये है कि आपका 3 महीने का time है, वो इनको मिलना चाहिए था। ऐसा लगता है कि वो टाइम नहीं मिला और उससे पहले ऑर्डर पास हो गया, तो जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट प्रोवाइड करता है, ये रेमेडी अवेलेबल है। जो आदमी अगर पार्लियामेंट का मेंबर है या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है उसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए फॉर 3 मंथ। उसका रीजन क्या है कि अपलिट कोर्ट को पावर है उस कन्विक्शन एंड सेंटेंस को सस्पेंड करने का, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ये ऐसा लगता है कि ये जो पीरियड जो दिया गया था ये पीरियड इनको नहीं मिला, और बिफोर अफोर्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी डिस्क्वालीफाई
का जो आदेश है वो पारित हो गए। मनोहर जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि इन केस अगर ये जो फैसला लोअर कोर्ट का था, सूरत कोर्ट का था, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस पर स्टे आ जाता है, जो उनको दोषी पाया गया उस पर स्टे आ जाता है कन्विक्शन पर उनकी, तो उस स्थिति में ये जो आज लोकसभा सचिवालय की तरफ से फैसला आया, इसका क्या होगा? इसीलिए सेक्शन हम जो आपको एक मिनट मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ एक मिनट सर आपके पास, जो इस पर मनोहर जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। रविंद्र जी मैं आ रहा हूँ, मनोहर जी से जवाब ले लेता हूँ। यदि किया जाता है ना, स्टे नहीं होता, कन्विक्शन को सस्पेंड किया जाता है जी। यदि कन्विक्शन सस्पेंड होता है तो वो ऑर्डर भी सस्पेंड हो जाएगा, परंतु ये स्थिति में सुन रहा था कि इसे पॉलिटिकल रूप दे रहे हैं, जबकि इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 है उसमें आदमी को प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, और जो इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 499 and 500 है उसमें डेफिनेशन दी है कि मानहानि क्या होगी, उसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं हो सकती, सरकार का कोई उसमें से नहीं होता, जो एग्रीव्ड पर्सन है वो खुद जाकर के प्राइवेट कंप्लेंट करता है, जैसे कि इसमें पूर्णेश मोदी ने की, और उसके बाद में एविडेंस देने के बाद में ये खाली डिफेंस ये है कि आपने जो आरोप लगाया ये दुर्भावनापूर्ण नहीं है, ये आपको कहना इन गुड फेथ है, सद्भावनापूर्वक लगाया, यदि ये कहने में आप फेल हुए तो सजा होगी। डिफेमेशन के केस में लोग जाते इसलिए नहीं है कि इंडियन कोर्ट्स में 10-10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, और इसलिए ये लोग जो कहते हैं कि मोदी ने विदेश में ये कहा, उसने ये कहा, तो इनको डिफेमेशन लगाना चाहिए कि उससे हमारी प्रतिष्ठा हानि हुई, भारत की प्रतिष्ठा हानि हो तो भी डिफेमेशन चलता है, प्राइम मिनिस्टर की डिफेमेशन हो तो भी कोई सिटीजन लगा सकता है, तो ये पॉलिटिकल नहीं है, ये तो प्राइवेट कंप्लेंट का मेथड है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, खाली जुडिशरी कंप्लेनेंट और जो आरोपी है उसके बीच का मेथड है, और इनको चूंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिक वर्ल्ड का वो डिसाइड कर चुकी है, ऑटोमेटिक का मतलब ये जैसे ही सजा हुई और यदि उसे कोर्ट ने सस्पेंड नहीं किया है, तो उन्होंने सस्पेंड नहीं किया, टाइम दिया है कि आप 30 दिन बाद सरेंडर करेंगे, तो 30 दिन बाद सरेंडर करेंगे जेल जाने के लिए, खाली लोअर कोर्ट को, खाली जो सीजेएम की कोर्ट है उसको उतना ही अधिकार क्षेत्राधिकार है, उसके बाद अपील होगी, अपील में यदि कन्विक्शन इनका ये एविडेंस के बाद में ये तय होता है कन्विक्शन गलत है तो मेंबरशिप रिवर्सेबल है, ऐसा नहीं है, और उसे पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहिए, कोर्ट पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसमें मेन चीज ये है कि एविडेंस आपने क्यों नहीं दिया कि आपने दुर्भावनापूर्वक नहीं कहा, सद्भावनापूर्वक कहा, इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कहा, यदि आप ये नहीं कह सके और उसने ये सिद्ध कर दिया क्या मेलाफाइड ही था तो आपको सजा होगी, साधारण सिटीजन। इसमें एक चीज और क्लियर कीजिएगा सर कि सजा को लेकर बड़ा ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल नहीं है, उस ब्रैकेट में वो आ जाएं कि भाई उनकी सदस्यता चली जाए, इसलिए 2 साल की सजा इसमें दी गई। मनोहर जी तो इसमें क्या कानून है उसको भी बता दीजिए कि कितनी सजा मैक्सिमम, कितनी सजा मिनिमम इसमें हो सकती है, और अगर कोई व्यक्ति माफी मांग ले तो क्या केस वहीं खत्म हो जाता है? क्योंकि राहुल गांधी के केस में ये भी कहा जा रहा है कि वो एरोगेंट हो गए, माफी नहीं मांगी उन्होंने, माफी मांगने से क्या केस वहीं खत्म हो जाता है? हाँ ना, माफी नहीं दी, कोर्ट यदि कह दे कि माफी ये मांग ले, कोर्ट ये कह दे कि राजीनामा आपस में कर लो, तो ये सब कंपाउंडेबल भी है, माफी भी कोर्ट कह सकती है कि ठीक है वार्निंग देकर माफी मांग ली, इसलिए वार्निंग देकर कि फ्यूचर में ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कह करके माफी भी दे सकते हैं, ये सब टोटल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है, परंतु जो जिस तरह से बोला जाता है और ये माना जाता है कोर्ट में माफी मांगना भी बेइज्जती है, एरोगेंसी जो बताई जाती है, तो ये दुनिया में प्लेटफॉर्म पे चलती है, जब पार्लियामेंट में आप कुछ भी इसलिए बोल सकते हो, पार्लियामेंट में बोले हुए पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलता, डिफेमेशन नहीं चलता, पार्लियामेंट के बाहर बोलोगे तो चलेगा, तो इसलिए
यानी इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ पार्लियामेंट में बोला जाता तो कंटेम्प्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रिविलेज है पार्लियामेंट के मेंबर को कि वो अपने स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त। रवि सक्सेना जी, अब इस पर बताइए सर, जब इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं बना तो फिर सारा दोषारोपण सरकार पर क्यों किया जा रहा है? और इसमें एक चीज और दिखाने की कोशिश की जा रही है आज, लेना देना नहीं, एक मिनट में रवि सक्सेना जी से समाधान। हाँ, और इसमें एक चीज और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमारी शहीदी हुई है, राहुल गांधी की राजनीतिक शहीदी है। इसमें शहीदी क्या हुई सर? नहीं देखिए, अभी दलाल साहब ने बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें बताई। फैसला आने के बाद कितने दिन तक जो कन्विक्शन जिनके खिलाफ हुआ है उनको अपील करने का अधिकार है, और आपने कल फैसला आया तो वो तो बना हुआ है ना सर अधिकार। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तो वो सुप्रीम कोर्ट से अगर उनके कन्विक्शन को रद्द कर दिया जाता है तो 22 वर्ष का वो लोकसभा का अपने आप कैंसिल हो जाएगा। उसमें इतनी घबराने की क्या जरूरत है कि आपके सारे अधिकार छिन गए आज ही? कोई घबरा नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं हम, ना डरे हैं ना कभी। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? तो ट्रेन क्यों रोकनी शुरू कर दी सर? आम लोगों कई केस हमने लड़े हैं, आम लोगों की ट्रेन रोकनी शुरू कर दी, ये क्या है? जीते हैं आम लोगों की ट्रेन को रोकना क्या ठीक है? हम तो ये बता रहे हैं कि मेरा फाइट इंटेंशन आपका था, दलाल का था, इस वर्ड को समझ सकते हैं, जज का था कि मेरा फाइट इंटेंशन क्या होता है। 30 दिन का आपको अगर वक्त मिला है तो आप 30 घंटे भी नहीं लगा रहे हैं उसका उसको उसको उनकी सदस्यता रद्द करने के आदेश निकालने में। ये कहां का कानून है? नहीं तो एक बात तो बताइए, अगर घबराहट नहीं है तो ट्रेनों को क्यों रोका जा रहा था आज? आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा था वहां पर? नहीं देखिए, मैंने तो सीधी बात की कि जैसे आप अगर हमारे नेता पर इस तरह सा और उसी उनको इस तरह सा हमला करेंगे, उनके कर उनके जो कथनों को अगर समाप्त करने की बात करेंगे, वो जो अडानी से सवाल पूछ रहे हैं वो मैंने आपको पहला शुरुआत में मैंने कहा तो ट्रेन थोड़ी रोकेंगे सर? एक राहुल गांधी को सजा होती है तो आम लोग परेशान होंगे क्या उसकी वजह से? आपके पास कोर्ट खुले हुए हैं, हायर कोर्ट से आप वहां जा सकते हैं। आम आदमी का पैसा लूट के लेके गए हैं और उसी आम व्यक्ति को परेशान करेंगे? पैसा लूटा गया है तो हम आम आदमी की आवाज को उठा रहे हैं, ट्रेन रोक देंगे। हमने आपको बताया आम आदमी का पैसा लूटा गया है और उसी आम आदमी को परेशान करेंगे? पैसा लूट रहे हैं जो लूट लूट। प्रदीप माहौर जी, आज कई जगह पर हमने देखा रायपुर में भी झड़प हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं से, हम ये लड़ाई क्या अब इसी तरीके से लड़ी जाएगी आगे? नहीं नहीं देखिए लोकेन जी, ये लड़ाई नहीं है, ये एक टाइप का ड्रामा और नौटंकी चल रही है कांग्रेस के द्वारा। ये कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलिए जरा चुप रहे हैं, रवि सक्सेना जी जरा थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन रखिए, आप एक चैनल पे हैं, जनता देख रही है आपको, है ना। अभी क्या है कि ये लोग जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, अब आज बताइए कोर्ट का एक फैसला आता है, कोर्ट के फैसले पर डेमोक्रेसी कैसे डेंजर में जाती है? आज ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है डेमोक्रेसी इन डेंजर। अच्छा एक और भी आपको बड़ी हास्यास्पद चीज बताता हूं, राहुल गांधी ने 2013 में एक ऑर्डिनेंस जो है जो मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया था उसको फाड़ दिया था, और उस ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ था रवि सक्सेना जी आप सुनिए थोड़ा ध्यान से, उस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ था कि अगर किसी को 2 साल की केस उसके ऊपर 2 साल की सजा होती है। चलिए समय नहीं है इसलिए मैं प्रदीप जी रोक रहा हूं माफी के साथ आपको, लेकिन ये मामला अभी कांग्रेस पार्टी इसको और आगे लेकर जाएगी, इसके और एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है।